गाइज, आज हम दो वॉचेस का कंपैरिजन करेंगे जो कि सेम ब्रांड के साथ आती हैं और टैग की कंपनी है, मतलब दोनों ही, और साथ में यहाँ पे जो मॉडल नंबर वो डिफरेंट है। यहाँ पे वर्ब प्लस अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है, फ्लिपकार्ट पे सेल पे जाने वाली है 18 तारीख को। अभी भी आपको सेल पे अवेलेबल है एज ऑफ नाउ, बट यहाँ पे जो मैक्सिमम प्राइस इसका है वो 5000 रुपीज़ में अवेलेबल है, बट इतना का ये जस्टिफाई नहीं होता। इसका प्राइस आपको सेल पे बहुत कम प्राइस में मिल जाएगी। तो गाइज, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वर्व अल्ट्रा आपका ऑलरेडी अमेजोन पे अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों ने इसको बाय किया। थोड़ा सा लैग करती है, बट यहाँ पे जो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, इसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो भी बहुत अच्छा है। कर्व डिस्प्ले मिलती है 3D आपको पूरा का पूरा, जो कि सैमसंग की एज सीरीज़ के फ़ोन में यूज़ होता है उस तरीके से मिलता है, बट यहाँ पे जो शार्पनेस हल्की सी कम कर रखी है। तो गाइज, देखेंगे क्या कुछ खास मिलता है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। और गाइज, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को आप ऑल कर सकते हो। साथ में आप हमारे टेकफोक चैनल को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो टेकफोक, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहां पे हम अमेजिंग डील शेयर करते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक और डील शेयर की है, जहां पे ओप्पो बैंड आपको सिर्फ 1500 रुपये मिल रहा है। यस, ब्रांड न्यू ओप्पो बैंड सिर्फ 1500 में अवेलेबल है। तो गाइज, चेकआउट कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे हम अमेजिंग डील शेयर करते रहते हैं। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पे वर्ब प्लस या वर्ब की बात करें, ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्प्ले मिलती है। TFT कलर पैनल है दोनों में ही, 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिल जाता है दोनों में ही। यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, वर्ब में 320x385 पिक्सल्स का लिखा हुआ है, बट ये मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे पिक्सल साइज दोनों का सिमिलर दिया गया है, बट यहाँ पे वर्ब अल्ट्रा में थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहिए था मेरे ख्याल से। आगे बात करें, यहाँ पे रेस्ट ऑफ वेक मिल जाता है, ऑलवेज ऑन का फीचर आपको दोनों में से किसी में देखने को नहीं मिलता है। 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया वर्ब प्लस में, और वर्ब में आपको वर्ब अल्ट्रा जो है वहाँ पे आपको 3D कर्व ग्लास देखने को मिल जाता है। अब बात आती है पर पिक्सल डेंसिटी की, तो यहाँ पे वर्ब अल्ट्रा थोड़ी सी आगे निकल जाती है, 326 पर पिक्सल डेंसिटी मिलती है, एज कम्पेयर टू वर्ब प्लस में सिर्फ 282 पर पिक्सल डेंसिटी मिलती है। और जो शार्पनेस है, मतलब और जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले की, वो कहीं ना कहीं दोनों की सिमिलर है, यहाँ पे कोई भी ह्यूज डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो डिस्प्ले के मामले में ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों ही वॉचेस, बट यहाँ पे वर्ब अल्ट्रा में थोड़ा सा कर्व डिस्प्ले तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है देखने में, एज कम्पेयर टू वर्ब प्लस में 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया। तो आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको वर्ब अल्ट्रा चाहिए जो कि 3000 के प्राइस ब्रैकेट में आती है, या वर्ब प्लस चाहिए जो कि सिर्फ 1900 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे वॉच फेस एंड सपोर्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस्ड वॉच फेस लगा सकते हो, और गैलरी में से कोई भी इमेज का वॉच फेस भी आप लगा सकते हो। ये बेसिक फीचर अवेलेबल है दोनों ही वॉचेस में। अब बात आती है यहाँ पे क्या लाइव वॉलपेपर अवेलेबल है, एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है, बट मे बी इन फ्यूचर अपडेट्स कंपनी ऐड कर दे। फिटनेस ट्रैकिंग और स्पोर्ट्स मोड की बात में करूँ, तो यहाँ पे 16 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं वर्ब प्लस में, जो हाल फिलहाल में मतलब जाने वाली सेल पे। वर्ब अल्ट्रा में आपको 13 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, और गाइस यहाँ पे IP68 की रेटिंग आपको दोनों मिल जाती है। 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट तक आप सबमर्ज कर सकते हो, डेडिकेटेड स्विम मोड भी दिया गया है। एक्यूरेसी लेवल कहीं ना कहीं वर्ब अल्ट्रा का थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूडिक चिप का यूज़ किया गया। वर्ब प्लस का जब मैं अनबॉक्सिंग डीप डाउन रिव्यू करूँगा, देन ओनली आपको बता पाऊंगा यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल कैसा है, बट यहाँ पे वर्ब का जो पहले का एक्सपीरियंस रहा है बेटर ही रहा है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल बेटर होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है दोनों में ही मिल जाते हैं, बट वर्ब प्लस में आपको एक टेम्परेचर मॉनिटर का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि वर्ब अल्ट्रा में अवेलेबल नहीं है। तो फिटनेस ट्रैकिंग के मामले में, या मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स के मामले में, तो वर्ब प्लस थोड़ा सा आगे निकल जाती है। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, रिप्लाई बैक ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, कॉलर आईडी, कॉल को म्यूट और रिजेक्ट आप दोनों में ही कर सकते हो, ये फीचर दोनों में ही अवेलेबल है। और गाइज, फुल टच पैनल मिलता है, स्मूथ यहाँ पे नहीं कहूँगा मैं ज़्यादा, क्योंकि वर्ब अल्ट्रा थोड़ा सा लैग करती है, और वर्ब प्लस भी कहीं ना कहीं लैग करेगी, बट बहुत ज़्यादा लैग नहीं करेगी, आपका काम चल जाएगा। बात करें अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, रिमाइंडर और रिमाइंडर्स टू मूव, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेसिक फीचर दोनों में ही अवेलेबल हो जाते हैं। ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, 6 से 7 मीटर तक की रेंज आपको मिल जाती है। फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन तो है ही है अवेलेबल दोनों में ही। और गाइस, यहाँ पे एंड्रॉइड या iOS, चाहे आप एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो या iOS यूज़र हो, तो आपका दोनों ही वॉचेज आपके फोन के साथ पेयर हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में, तो यहाँ हार्डवेयर ऑल में सिमिलर देखने को मिलता है आपको, और सॉफ्टवेयर के मामले में बात करें तो कस्टम UI यूज़ किया गया दोनों में ही। सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है, और गेस्टर्स का यूज़ करके अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड करती है, 2 घंटे फुल चार्ज होने में ले लेती हैं। 210 mAh बैटरी का यूज़ किया गया वर्ब अल्ट्रा में, और वर्ब प्लस में आपको 180 mAh बैटरी का यूज़ किया गया, थोड़ा सा स्लाइटली कम लगता है। 10 दिन का रन टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर दोनों ही वॉचेस। और गाइस, यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। बात करें यहाँ पे एक्चुअल यूजेस की, तो यहाँ पे 5 दिन का आपको रन टाइम मिल जाएगा, 5 से 6 दिन विदाउट ऑल नोटिफिकेशन, बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं तो 3 से 5 दिन का अकॉर्डिंग टू यूजेस आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अब मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं, HR मॉनिटर आपको मिल जाता है, SPO2 लेवल मॉनिटर भी मिल जाता है, बट यहाँ पे वर्ब प्लस में टेम्परेचर मॉनिटर मिलता है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। स्लीप ट्रैकिंग का डाटा आप यहाँ पे प्रॉपर्ली देख सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, और गाइस यहाँ पे ब्रीद रिलैक्स का मोड भी अवेलेबल है। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे वॉच का वेट है वो ऑलमोस्ट हाफ, आपको हाफ से भी कम है वर्ब प्लस का, एज कम्पेयर टू वर्ब में आपको 43 ग्राम्स मिलता है आपको, और
बिल्ड क्वालिटी की बात मैं करूँ तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है, यहाँ पे रगड़ फील होती है इन हैंड्स। यहाँ पे वेट की बात करें तो वर्ब प्लस हल्की बहुत है एज कम्पेयर टू वर्ब अल्ट्रा, और 20mm स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया, आफ्टर मार्केट का भी आप यूज़ कर सकते हो। सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी है तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और गैस मेन बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही मेटल यूज़ किया गया, डायल और जो डायल का जो फ्रेम है और बेस पॉलीकार्बोनेट का दोनों का मिल जाता है, तो बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही बेटर परफॉर्म करती हैं। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वर्ब अल्ट्रा 3000 के प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है अमेजन पे, बट ये सेल पे भी इतने में ही जाती है, इससे कम नहीं होती। और वर्ब प्लस जो आपकी अवेलेबल है अभी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो, बट अभी आपको 5000 के प्राइस ब्रैकेट में मिलती है, बट अगर आप जैसी सेल डे पे बाय करते हो तो 1899 में आपको मिल जाएगी, तो ये एकदम स्टील डील की तरह आपको मिलेगी, तो आप उस दिन चेकआउट कर सकते हो। गाइज यहाँ पे कंक्लूजन की बात आती है तो यहाँ पे वर्ब प्लस आगे निकल जाती है सबसे पहले प्राइसिंग को लेके, दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर मॉनिटर आपको मिल जाता है, तीसरा डिस्प्ले सेम ही है तो क्यों आप वर्ब अल्ट्रा लोगे। वर्ब अल्ट्रा में थोड़ी सी एज डिस्प्ले मिल जाती है, नियोडिक चिप का यूज़ किया गया, थोड़ा सा एक्यूरेसी स्लाइटली ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू वर्ब प्लस, बट यहाँ पे वर्ब प्लस आपको वैल्यू फॉर मनी देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड क्वालिटी आपको मेटेलिक देती है और साथ में जो ऑल ओवर जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो सिमिलर ही है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वर्ब प्लस इसमें भी जी जाती है अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूँ यहाँ पे। तो गाइस ये था मेरा एक डीप डाउन कंपैरिजन वर्ब प्लस वर्सेस वर्ब अल्ट्रा के लिए। आपका कोई क्वेरी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।